हेलो एवरीवन, आई एम सरिता श्रीवास्तव फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। नाउ आई एम गोइंग टू टीच हिंदी स्टैंडर्ड 5th। बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 13 पढ़ाई थी। आज मैं कहानी के आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप इसे पुनः देखें और समझें। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि चीता क्या खाता है, चीता का प्रिय भोजन क्या है। जेब्रा, हिरन, ये सब उसका प्रिय भोजन होता है, चिंकारा। आज आगे की कहानी को, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है कि अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, यानी कि चीता से पूछता है कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। तो चीता कहता है कि हमारा बचपन हमारी माँ के साथ बीतता है। हमारी माँ 4-5 बच्चों को जन्म देती है, वही हमें शिकार करना सिखाती है, वही दुश्मनों से बचाती है। प्रश्नकर्ता पूछता है कि आपके दुश्मन? चीता कहता है कि हम छोटे होते हैं ना, इसलिए शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घे, जंगली कुत्ते और तो और चील भी हमारा शिकार करने की कोशिश करती है, इसलिए माँ हमें छिपा कर रखती है। 1 साल में हम बड़े हो जाते हैं, 2 साल में हम अपनी माँ से अलग होकर अपना इलाका बना लेते हैं। अब प्रश्नकर्ता पूछता है कि तो सारे भाई बहन अलग अलग इलाका बना लेते हैं? चीता कहता है नहीं, हमारी बहन या तो माँ के साथ चली जाती हैं या अकेले कहीं चली जाती हैं। हम सारे भाई मिलकर एक टोली में रहते हैं, मिलकर शिकार करते हैं, मिलकर अपने इलाके की रखवाली करते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि जानवर भी भाइयों के साथ मिलकर रहता है, टोली बनाकर रहता है, जिससे उसमें मजबूती आती है। उसी तरह से हम सभी को भी मजबूती से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि क्या बचपन में भी आपकी आवाज इतनी अच्छी होती है? चीता कहता है कि मैं आपका इशारा समझ गया, आपको मेरी आवाज बिल्ली परिवार की बाकी बड़ी बिल्लियों जितनी खतरनाक नहीं लग रही है ना? सच यह है कि मैं केवल घुर्र घुर्र की आवाज निकाल सकता हूँ, या कुछ कुछ चिड़ियों की तरह चहचहा सकता हूँ, शेर की तरह दहाड़ नहीं सकता। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि कोई और ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते? चीता कहता है कि हाँ, मैं बिल्ली की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, हालांकि मेरे पंजे पूरे बिल्ली परिवार में सबसे अनोखे हैं। दौड़ते समय वे कांटों वाले जूतों की तरह धरती पर पकड़ बनाए रखते हैं, लेकिन पेड़ पर चढ़ने में वे मेरी सहायता नहीं करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि चीता बिल्ली के परिवार की तरह होता है, लेकिन उसके पंजे जो होते हैं बिल्ली परिवार से अनोखे होते हैं। वह जमीन पर तो आसानी से चल लेता है, जमीन पर उसके पंजे पकड़ बनाए रखता है, लेकिन पेड़ पर चढ़ने में उसकी सहायता नहीं करता है। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि चीता जी, आपको कहाँ रहना अधिक अच्छा लगता है? चीता कहता है, यह तो आपने बहुत अजीब सवाल किया है। प्रश्नकर्ता, अजीब कैसे? चीता कहता है, आप खुद ही सोचिए, इंसान हमें हमारी पसंद की जगह पर रहने ही कहाँ देता है। हम इस धरती पर 30 लाख सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब इंसान ने हमारे रहने के ठिकानों पर कब्जा करके हमें हर जगह से भगा दिया है। अब तो हम अफ्रीका के मैदानों में या थोड़े बहुत पहाड़ी इलाकों में किसी तरह छिप कर रह रहे हैं। तो यह चीता जो है वह पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है, क्योंकि इसे इंसानों से भी डर लगता है और इंसानों को भी चीता से डर लगता है। अब प्रश्नकर्ता पूछता है बच्चों कि एक मनुष्य होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूँ चीता जी, लेकिन शायद मनुष्य आपसे डरता है, इसलिए? चीता कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? आज तक किसी चीते ने इंसान पर पहले हमला नहीं किया। जंगल में हमें कोई इंसान मिल जाए तो हम उसे छोड़कर रास्ता बदल लेते हैं। हम पालतू पशुओं को भी नहीं मारते, फिर भी इंसान हमें ढूंढ ढूंढ कर मारता है। आज पूरी दुनिया के चीतों में से 15 या 16 हजार चीते अफ्रीका में बचे हैं, 40-50 चीते ईरान में बचे हैं, बाकी पूरी दुनिया में हमें मारकर खत्म कर दिया गया है। आपके देश भारत में तो हमें 100 साल पहले ही शिकार कर करके समाप्त कर दिया गया है। आज आपके देश में एक भी चीता नहीं बचा है। इस बात का मुझे सबसे अधिक दुख है, क्योंकि भारत से मेरा हजारों साल पुराना रिश्ता है। आप जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया मुझे जिस नाम से जानती है, वह नाम मुझे भारत से ही मिला है। तो बच्चों, चीता
40-50 चीते ईरान में सिर्फ बचे हैं। पूरी दुनिया में इसे मार मार कर खत्म कर दिया गया है। भारत में भी 100 साल पहले ही शिकार कर करके चीता को समाप्त कर दिया गया है और भारत में ही चीता को इसका नाम मिला था। प्रश्नकर्ता कहता है कि अच्छा वह कैसे? चीता कहता है कि अच्छा आपको यह बात मालूम नहीं थी, चलिए मैं बता देता हूँ। चीता शब्द संस्कृत के चित्रकाय शब्द से बना है। चित्रकाय का अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला। शायद मेरे शरीर की इन चित्तियों के कारण मेरा नाम रखा गया होगा। तो आपने देखा बच्चों कि चीता का नाम कैसे बना, तो संस्कृत भाषा के चित्रकाय से चीता का नाम चीता पड़ा, क्योंकि इसके शरीर पर धब्बे होते हैं, चित्तियां होती हैं। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि यह तो आपने बहुत रोचक बात बताई, एक बात और बताइए, आप तो बिल्कुल तेंदुओ जैसे दिखते हैं, फिर आपको पहचाना कैसे जाए? अब चीता कहता है कि मुझ में और तेंदुए भाई में बहुत अंतर है। उसके शरीर पर छल्ले होते हैं, मेरे शरीर पर चित्तियां होती हैं। यानी कि तेंदुए के शरीर पर गोल गोल रिंग जैसा होता है और चीता के शरीर पर धब्बे होते हैं। मेरे शरीर पर चीता के शरीर पर 2,000 से 3,000 चित्तियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर इसके शरीर में चेहरों से नजर आती है। चीता का चेहरा पर दोनों आंखों के नीचे आंसुओं की तरह नीचे आती हुई काली धारी नजर आएगी। यह तेंदुओं के चेहरे पर नहीं होती है, इसी से दोनों की पहचान होती है। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि चीता जी, मैंने सुना है कि इस दुनिया का हर प्राणी एक दूसरे की सहायता करता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? चीता कहता है कि बिल्कुल सही बात है यह। इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप जानते हैं कि हिरण को घास खाता है और हम हिरण को खाते हैं। मान लीजिए हिरण घास खाता है और चीता हिरण को खाता है। फिर कह रहा है कि मान लीजिए कि हम दुनिया से समाप्त हो गए, तब हिरणों की संख्या बढ़ती जाएगी। वे घास को खा खा कर खत्म कर देंगे, घास खत्म हो जाएंगी तो वे भी भूखे मरने लगेंगे। इस तरह हम सभी प्राणी दुनिया में संतुलन बनाए रखते हैं। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि एक बात और है, आपके कारण ही तो आपके शिकार अपने आप को स्वस्थ और तेज बनाए रखते हैं, वरना वे आलसी न बन जाएं। चीता कहता हा हा हा, यह बात भी खूब कही आपने। अच्छा अब शाम हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर मिलेंगे। प्रश्नकर्ता कहता है अवश्य, नमस्कार चीता जी, हमसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद। तो आपने देखा बच्चों कि चीता कैसे अपने बारे में प्रश्नकर्ता को एक एक बात बताता है कि वह कहाँ रहता है, क्या खाता है, किस जानवर का शिकार करता है, उसके शरीर उसका नामकरण कैसे हुआ। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस कहानी से प्राप्त किए। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।